बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी है जिस हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, क्यों वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। काम कर रहा है ठीक, कोई 1000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है दिन का, वो तो अपने पर निर्भर है, कोई कितना भी कर सकता है। ये हम नहीं कह सकते हम पढ़े लिखे नहीं, हमें चाहिए सरकारी नौकरी, कहाँ से मिल जाएगी? किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एक किसी भी सेक्टर में चले जाओ एक फार्म दे दिया जाता है कि भरो, एक दूसरे में झांकने लगते हैं। कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? फार्म भरने की हैसियत नहीं तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी, पहले वे बताइए। इनके को कितनी सैलरी मिल रही है? हमें 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस? हाँ, 10,000 में काम बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। परिवार है भाई, हम अकेले हैं अभी भाई। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा ग्रेड सर्कल अभी तुम्हारे 10,000 में काम हो रहा है? शादी होने दो, बच्चे होने दो, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। 2024 में किसकी सरकार लगेगी? 2000 मोदी की आएगी, मोदी की। अच्छा चलिए, मोदी घर की संपत्ति नहीं पूछी है सरकार। मोदी जी के 5 काम उस भैया को गिनवा दीजिए। बीजेपी का यार ये भी तो पहले गिनवाए, अखिलेश के गिनवाए, वो तो करवा चुका है इसकी सरकार। तो पहला मुद्दा राम मंदिर का था, कौन पूरा करा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का है, पूरा किसने किया? पूरा किसने किया? धारा 370 हटाई गई। चलिए धारा 370 हटा दी। वहाँ कितने लोग, कितने पंडित मरे थे जब गोलियां चलती थी वहाँ पे? इससे सही हुआ ना? जन धन बीमा योजना वो भी लागू की गई, 3 हो गए। मरे थे तो इनको याद है? और क्यों नहीं याद है भैया? चार होते थे पंडितों के द्वारा, ये भूल गए? चलिए भैया दो काम गिनवा दीजिए, एक तो राम मंदिर बन गया, दूसरा 370 हट गया, अब चौथा। भाई आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? आप हिंदू हो भाई, ये हिंदू हैं, हिंदू इंसान मान रहा है, सब हिंदू है। कौन कह रहा है? ये भाई बोल रहा मैं नहीं मान रहा, ये बोला ना क्या? मंदिर के सपोर्ट में, मंदिर की फैसला सही हुआ गलत हुआ ये बताओ। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने 5 काम गिनवाए हैं, सब समाजवादी पार्टी के मैंने 5 काम गिनवाए। चलिए धारा 370 अब तीसरा। अभी पहले वहाँ पे बहुत ज्यादा आतंकवादी थे, पर डे मर्डर होते थे, पर डे लाठी डंडे चार्ज होते थे, अब हो रहा है क्या? मतलब शांति है बॉर्डर पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे जहाँ पे 370 हटा है इंडिया में शांति हर जगह। अभी पहले बताओ बे, तलाक वाला 3 तलाक तलाक था, तलाक तलाक करके हटा, उसे हटा दिया गया, चार हो गए। मेडिकल कॉलेज हटा के 600 कुछ मेडिकल कॉलेज थे, और यूनिवर्सिटी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो भी डेवलपमेंट की गई, आईटीआई जो कॉलेज थे उनको कुछ हटा के उसको भी बढ़ाया गया है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये भैया गिनवा दीजिए, गिनवा दिए आपका मैं मानना हो, ये बताइए ये लोग कह रहे हैं कि बहुत रोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या आपको भी ये लग रहा है? बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी है जिस हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, क्यों वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। काम कर रहा है ठीक, कोई 1000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है दिन का, वो तो अपने पर निर्भर है, कोई कितना भी कर सकता है। ये हम नहीं कह सकते हम पढ़े लिखे नहीं, हमें चाहिए सरकारी नौकरी, कहाँ से मिल जाएगी? किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एक किसी बोल दे मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, एक फार्म दे दिया जाता है कि भरो, एक दूसरे में झांकने लगते हैं। कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? फार्म भरने की हैसियत नहीं तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी, पहले वे बताइए। इनके कहने का मतलब ये है, करेगा क्या जब नॉलेज वो काम कर रहा है? कहने का मतलब जो जिस योग्य है, पढ़ा लिखा है, उन्हें आज भी रोजगार मिल रहा है, इनके कहने का मतलब है। क्या बोलूं मैं, भाई बोलेगा, भाई तो बोल रहे हैं भाई, हम ठीक है। तो 2024 में क्या देख रहे हैं किस सरकार को? भाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी पक्का ही, 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भाई एक बात बताओ, हाँ एक मिनट, आप कितने पढ़े लिखे हो? इंटर पास हो, आपको कितनी सैलरी मिल रही है? हमें 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस? हाँ, 10,000 में काम बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। परिवार है भाई, हम अकेले हैं अभी भाई। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा ग्रेड सर्कल अभी तुम्हारे 10,000 में काम हो रहा है? शादी होने दो, बच्चे होने दो, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। क्वालिफिकेशन भी बढ़ाएंगे और
उसे मत बढ़ो, तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बढ़ाएंगे, चक्कर मत बढ़ो। 10,000 में फोन तक नहीं ले पाओगे एक एंड्रॉइड। बस चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज नहीं है कि सरकार।